हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत सारे गुलाब फूल वाला तोरण डिज़ाइन लेकर आई हूं और आशा करती हूं कि आपको यह डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। और इसमें मैंने स्टिच बहुत कम रखा है ताकि आप कम समय में ही इसे आसानी से तैयार कर सकें। और इसमें ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। इस तोरण में मैंने झालर जो है थोड़ा अलग तरह से बनाया, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। पूरा बनने के बाद मैं आपको इसे दरवाजे पर लगा करके दिखाऊंगी। और इसमें मैंने बड़े साइज़ का गुलाब फूल, छोटे साइज़ का गुलाब फूल और पत्ता लगाया है। झालर मैंने फूल जैसा डिज़ाइन बना करके तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी से हम बनाना शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अभी से हम बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ मैंने इस तरीके से तोरण का पट्टी भी तैयार किया है। तो पहले हम झालर के लिए फूल तैयार करेंगे। तो इसके लिए इस तरीके से हमें झालर तैयार करना है। तोरण में कितना झालर लगाना है वो आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने मोटा वाला 4-ply ऊन लिया है तो क्रोशिया हुक का साइज़ 4 mm है। अगर आप पतला वाला ले रहे हैं तो आप क्रोशिया साइज़ 2.75 mm रखिए। तो अभी हम यहाँ पर 8 chain बना रहे हैं जो 2 फूल का दूरी होगा। और 2 फूल में कितना दूरी रखना है वो भी आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो ये हमारा 8 chain तैयार हो गया। इसके बाद हम पंखुड़ी के लिए 4 chain तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1, 2, 3 और ये 4। आठवां वाला जो चैन है वहाँ पे हम यहाँ बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमें 1 double crochet बनाना है। तो क्रोश में फंदा लेंगे, चैन में डालते हुए निकालेंगे, फिर से फंदा लेंगे, 3 का 2 करेंगे, फिर से फंदा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा 2 double crochet तैयार हो गया। इसके बाद हम इसमें 1 chain लगा देंगे और नीचे ये जो हमारा दोनों ऊन दिख रहा है इसके बीचों बीच हम क्रोश को डालेंगे और फंदा लेते हुए इस तरीके से हम बाहर निकाल देंगे। और इसके बाद हम 3 chain लगा देंगे जैसे कि हमने इस तरफ लगाया था। तो ये हमारा 1, 2 और ये 3। नीचे जहाँ से हमने बनाना शुरू किया था यहाँ पर हम क्रोश को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा फूल का 1 pankhudi तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें 4 pankhudi और तैयार करना है। अब हम दूसरा पंखुड़ी बनाएंगे। तो फिर से हम यहाँ पर 3 chain लगा देंगे। तो ये हमारा 1, 2 और ये 3 और 1 double crochet तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने पहले वाले पंखुड़ी में किया था। तो ये हमारा 1 double crochet हो गया। फिर से हम इसमें 1 chain लगाएंगे और नीचे ये जो दोनों ऊन है इसके बीचों बीच हम क्रोश को ले जाएंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे लॉक करके फिर से हम इसमें 3 chain लगा देंगे और नीचे यहाँ पर हम इसे लॉक कर देंगे। तो ये हमारा 2 pankhudi हो गया। तो ऐसे ही हमें 3 pankhudi और तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा तैयार करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, झालर का जो कलर है वो आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये हमारा फूल का 5वां pankhudi तैयार हो गया और हमारा फूल तैयार हो गया। इसे हम बीच में इस तरीके से लॉक कर देंगे और इसके बाद हम दूसरा फूल बनाएंगे। तो इसके लिए हम फिर से 8 chain लेंगे जो हमारा 2 फूल के बीच में दूरी होगा। तो इस तरीके से 2 pankhudi को पकड़ते हुए हम ऊन को बीचों बीच लाएंगे और इसके बाद इसमें हम 8 chain लगा देंगे। तो ये हमारा 8 chain तैयार हो गया जैसे कि हमने नीचे तैयार किया था। और अब हम फूल तैयार करेंगे। तो फिर से हम 4 chain लगा देंगे और नीचे 4th वाले चैन में हमें 1 double crochet तैयार करना है।
तो ये हमारा वन डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम वन चैन लगाकर नीचे इसे लॉक कर देंगे। फिर से हम तीन चैन लगा देंगे और फिर नीचे यहाँ पर हम लॉक कर देंगे। तो हमारा फूल का एक पंखुड़ी तैयार हो गया। ऐसे ही हमें चार पंखुड़ी और तैयार करना है। तो बस इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें झालर को आगे बढ़ाते जाना है। जितना लंबा आपको झालर तैयार करना है, फूल बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। पूरा झालर तैयार हो जाने के बाद हम फूल का जो पंखुड़ी है इसे हम हल्के हाथों से इस तरीके से खींच देंगे ताकि फूल जो है हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो बस ऐसे ही हमें झालर बनाते जाना है। तो मैं आपको पूरा झालर बना के दिखाती हूँ। तो ये हमारा झालर का आखिरी फूल है। इसके बाद हमें नहीं बनाना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बीचों बीच लॉक कर देंगे और थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। और इसके बाद हम इस तरीके से क्रूस की मदद से ऊन को जितना हो सके अंदर कर लेंगे और फिर हम इसे अच्छे से बांध लेंगे। और बांधने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा झालर तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें झालर तैयार करना है। झालर हमारा तैयार हो गया। अब हम इसके नीचे गुलाब का फूल लगाएंगे। गुलाब का फूल हम नीचे बड़े साइज़ का लगाएंगे। और फ्रेंड्स इसका वीडियो जो है मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है और इसका जो वीडियो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी और साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी ताकि आप आसानी से ढूंढ सकें और इस गुलाब फूल को आप तैयार कर सकें। और अब हम इसे झालर के साथ जोड़ेंगे। इसमें ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो गुलाब फूल को हम यहाँ पर इस तरीके से सुई की मदद से इसे हम जोड़ लेंगे। यहाँ मैंने ऊन से जोड़ा है। आप चाहे तो धागा से भी गुलाब फूल को झालर के साथ जोड़ सकते हैं। तो मैं आपको एक फूल जो है जोड़ करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारा गुलाब फूल जो है झालर के साथ अच्छे से जुड़ गया। आप चाहे तो इस तरीके का भी झालर तैयार कर सकते हैं या फिर आप बीच बीच में आप पत्ता भी लगा सकते हैं। जैसा आपको मन हो आप उस तरीके से झालर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरीके से पत्ता लगा दिया है ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। और इसे भी हम सुई धागे की मदद से पत्ते को जोड़ लेते हैं। तोरण पट्टी में भी मैंने इस तरीके का पत्ता और छोटे साइज़ का गुलाब फूल लगाया है। तो मैं आपको एक पत्ता जो है जोड़ करके दिखा देती हूँ।
हमारा पूरा झालर तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हम झालर में फूल और पत्ता जोड़ते हुए झालर तैयार कर लेंगे और अब हम तोरण की पट्टी तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे पहले के वीडियो में मैंने यह तोरण की पट्टी तैयार किया था, तो मैं आपको एक बार और बना करके दिखा देती हूँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले 15 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 15 चैन तैयार हो गया। इसके बाद हम 3 चैन और लगा देंगे। तो ये हमारा 1, 2 और 3। नीचे जो हमारा चौथा वाला चैन है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो क्रोश में फंदा लेंगे, चैन के अंदर डालते हुए इसे हम निकालेंगे, फिर से फंदा लेके 3 का 2 करेंगे, फिर से फंदा लेके 2 का 1 कर देंगे और इसी तरीके से हम इसके बाद वाले चैन में भी डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हमें 5 डबल क्रोशिया 5 चैन के अंदर से तैयार करना है। शुरू में हमने जो 3 चैन लगाया था और अभी का 5 डबल क्रोशिया को मिलाकर हमारा टोटल 6 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा 6 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन लगाएंगे। तो ये हमारा 1, 2 और 3। इसके बाद यहाँ से सबसे लास्ट वाले चैन से हम 6 चैन में 6 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 6 डबल क्रोशिया यहाँ तक होगा। तो इस चैन से हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद वाले चैन में हम बनाएंगे, ये हमारा 2 हो गया, 3 डबल क्रोशिया। चार डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया और नीचे ये हमारा 6 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। तो हमारा पट्टी का नीचे का डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। दोनों तरफ 6 डबल क्रोशिया, बीच में 3 चैन। इसके बाद हम फिर से 3 चैन लगाएंगे और डिज़ाइन को पलट देंगे। और हमने जो नीचे 6 डबल क्रोशिया बनाया था, ठीक इसके बीच में हमें डिज़ाइन तैयार करना है। तो इसके बीचों बीच हम 3 डबल क्रोशिया 1 चैन 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन लगाएंगे, 1, 2 और 3। और जैसे हमने इधर बनाया था, इस तरफ भी हम 3 डबल क्रोशिया 1 चैन 3 डबल क्रोशिया बीचों बीच तैयार कर लेंगे यहाँ पर। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया और बस ऐसे ही हमें दोनों तरफ से डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है, जितना लंबा हमें तोरण की पट्टी तैयार करना है। तो अभी हम फिर से 3 चैन लगा देंगे, जैसे कि हमने नीचे लगाया था। तो ये 3 चैन हो गया, डिज़ाइन को पलट देंगे और ये जो हमने 1 चैन लगाया था ये वाला, उसके बीचों बीच हमें 3 डबल क्रोशिया 1 चैन 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेना है। फिर हम यहाँ पर 3 चैन लगाएंगे, जैसे हमने नीचे बनाया था। और इसके बाद फिर से इस तरफ भी हम बीचों बीच 3 डबल क्रोशिया 1 चैन 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे।
बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा और इसी तरीके से हम डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा और बना करके दिखा देती हूँ और पूरा बनने के बाद लास्ट का जो डिज़ाइन है वो भी मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर तोरण की पट्टी तैयार किया है और इस तोरण पट्टी का जो लंबाई है वो लगभग 28 इंच है। फ्रेंड्स, आप तोरण की पट्टी बनाने से पहले दरवाजे का नाप ले लीजिएगा और जितना लंबा दरवाजे का नाप होगा उसी के हिसाब से आप तोरण की पट्टी तैयार कर लीजिए। और अब हम जैसे हमने शुरू में बनाया था डिज़ाइन, वैसे ही हमें लास्ट में इस तरीके से डिज़ाइन तैयार करना है। तो मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बना करके दिखा देती हूँ। तो इसके लिए हमें जितना लंबा तोरण की पट्टी बनाना है पहले हम बना लेंगे और इसके बाद लास्ट वाला लाइन जो है इसमें हम तीन चैन लगा देंगे। तो ये हमारा तीन चैन हो गया और फिर हम इसे पलट देंगे और हमने ऊपर जितना भी चैन है इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया निकालना है। तो हमारे पास पहले से तीन चैन है तो वो हमारा वन डबल क्रोशिया हो गया और हम पाँच डबल क्रोशिया ऊपर से निकाल लेंगे। शुरू का चैन और इधर का पांच डबल क्रोशिया मिलाकर हमारा छह डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा छह डबल क्रोशिया तैयार हो गया और इसके बाद हम इसमें फिर से तीन चैन लगा देंगे और दूसरे तरफ भी हम छह डबल क्रोशिया छह चैन में तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा लास्ट तक डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हम तोरण की पट्टी तैयार कर लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरीके से गुलाब का फूल और पत्ता लगा देंगे। और गुलाब का फूल और पत्ता कैसे बनता है इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, तो मैं इसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी और कमेंट में भी पिन करके लिख दूँगी ताकि आप इसे आसानी से ढूँढ सकें। और अब हम पट्टी को झालर के साथ जोड़ेंगे। पट्टी को हम दो भाग में बांट लेंगे और बीचों बीच यहाँ मैंने तीन गुलाब फूल का छोटा झालर लगाया है और दोनों किनारे पर चार चार गुलाब फूल का बड़ा छोटा करते हुए इस तरीके से झालर लगा दिया है। झालर जो है आप अपने पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरफ चार झालर और बीच में तीन फूल वाला छोटा साइज का झालर लगाया है और दूसरा तरफ भी मैंने इसी तरीके से लगाया है। और बीच में मैंने दो फूल वाला छोटा सा झालर लगाया है। झालर जो है आप अपने पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं और इसके नीचे गोल डिज़ाइन करते हुए इस तरीके से झालर मैंने तैयार किया है। आप चाहे तो छोटा बड़ा करते हुए भी सीधा सीधा झालर आप लगा सकते हैं और इसमें मैंने थोड़ा सा बीच में अलग तरह से झालर लगाया है। तो इस तरीके से छोटा बड़ा झालर तैयार करके गोल डिज़ाइन में मैंने लगाया है और बीच में यहाँ पर बीचों बीच मैंने तीन फूल वाला झालर तैयार किया है। पूरा झालर तैयार हो जाने के बाद हम सभी को एक बार अच्छे से रख कर देख लेंगे कि कौन सा झालर कहाँ जाएगा और दूरी हम बराबर रखेंगे और इसके बाद हम क्रूस की मदद से जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस क्रूस की मदद से हमें ये जो ऊन हमने लास्ट में जो छोड़ा है इसे हम अंदर कर लेंगे और जितना हो सके क्रूस की मदद से हम ऊन को पहले फंसा देंगे और इसके बाद हम अच्छे से बांध लेंगे। तो जोड़ने का तरीका हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहले मैंने इस तरीके से क्रूस की मदद से सभी झालर को तोरण पट्टी के बीच में लगा दिया है ताकि हमारा दूरी जो है बराबर रहे और इसके बाद हम किनारे से एक एक करके सभी को जोड़ते जाएंगे।
बीच में जो 3 गुलाब फूल वाला हमने झालर तैयार किया है, तो इसे हम पहले अच्छे से एक दूसरे में बांध देंगे और इसके बाद हम बीचों बीच इसे लगा देंगे। इसके बाद हम किनारे से जोड़ना शुरू करेंगे, तो मैं आपको जोड़ करके दिखा देती हूँ। जोड़ने का तरीका हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसी तरीके से हम लास्ट तक जोड़ लेंगे, तो मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखा देती हूँ। जोड़ने का तरीका हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस हमें बांधते समय इसे अच्छे से बांधना है, नहीं तो झालर जो है हमारा निकल जाएगा। हमारा झालर जो है तोरण पट्टी के साथ जुड़ गया और हमारा पूरा तोरण जो है तैयार हो गया। अब मैं इसे आपको दरवाजे पे लगा के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही खूबसूरत गुलाब फूल वाला तोरण तैयार हो गया। आप भी ये डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमें बड़े साइज़ का गुलाब फूल, छोटे साइज़ का गुलाब फूल, झालर, पत्ता, तोरण पट्टी तैयार करना है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर बनने के बाद यह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप भी यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइए और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिए। तो मिलते हैं हम फिर एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।